दो खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ ही आपकी खिदमत में हाजिर। और दो खबरनामे में सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ी तरक्याती कौंसल लेह में हो रहे इंतखाबात के हवाले से। आज इंतखाबात हो रहे हैं और आज सुबह 8 बजे से ही वोटिंग का अमल बाजाबता तौर पर शुरू हुआ है। इस सिलसिले में अगरचे सुबह सुबह सर्दी की वजह से लोगों की कम ही तादाद ने पोलिंग मराकज का रुख किया, ताहम आहिस्ता आहिस्ता लोगों की लंबी कतारें पोलिंग मराकज के बाहर नजर आई, जिस दौरान लोगों ने अपने हक रायदेही का इस्तेमाल किया, जबकि इस मौके पर समाजी दूरी और मास्क का भी इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी के माकूल इंतजाम किए गए। पहले ही इंतजामिया की जानिब से माकूल इंतजाम किए गए थे। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक ने वोटरान से बात की है, उनका क्या कुछ कहना है वो देखते हैं। लगातार आज सुबह 8 बजे से LHDC लेह के इलेक्शन के हवाले से पोलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हम अपर लेह कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग स्टेशन 83 पे मौजूद हैं। आप यहां पे देख सकते हैं COVID-19 के महामारी के बीच इस बार का इलेक्शन हो रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से बाजाबता COVID-19 के हवाले से प्रोटोकॉल्स जो है वो जारी किया है और प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मुख्तलिफ जो है पॉइंट्स बनाया है ताकि जो वोटर्स हैं वो COVID-19 के प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखा जाए। साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरह से पुलिस पर्सनल्स हैं और उनके साथ साथ महिला जो पुलिस पर्सनल से वो यकीन दहानी बना रहे हैं और बाजाबिता नजर बनाए हुए हैं कि आखिर यहाँ पे जो वोटर्स हैं क्या वो COVID-19 के प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखा जा रहा है कि नहीं। दूसरी जानब मेडिकल के भी आमले हैं जो लगातार COVID-19 के महामारी के बीच जब ये इलेक्शन हो रहे हैं इस हवाले से लोगों के ऊपर नजर रख रहे हैं और लोगों को COVID-19 के प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखने को कहा जा रहा है। तो लगातार आप देख सकते हैं बाजाबिता वोटर्स जो हैं वोटिंग करके बाहर आए हैं और यहाँ पे एक युवक है, जवान है, इनसे जानना चाहेंगे, सर आपने वोट किया? जी हाँ मैंने वोट किया। क्या कहना चाहेंगे इस बार COVID-19 के महामारी के बीच इलेक्शन हो रहे हैं और लद्दाख को यूनिटरी बनाए जाने के बाद इलेक्शन हो रहे हैं? जी ये वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सिटीज़न होने के नाते हमारा ये बेसिक राइट होता है अपना एक्सरसाइज करने का, अपना कुछ कहने का, तो वोटिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है और महामारी के बीच में हो रहा है तो काफ़ी मुश्किलात है, बट आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डूइंग अ गुड जॉब। अब ये सीनियर सिटीजन्स के लिए भी उन्होंने एट होम वोटिंग का फैसिलिटीज़ दिया, वो बहुत अच्छा था जी। तो यहाँ पर आज किस तरह के इंतजाम है COVID-19 को मद्देनज़र रखते हुए? आज काफ़ी अच्छा है, लॉट ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, फिर सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर हैंड सैनिटाइजर हर जगह पे है, तो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। अच्छा है, आप संतुष्ट हैं? जी जी मैं संतुष्ट हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बात कर रहे थे अपर लेह कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग स्टेशन 83 यहाँ के एक युवक और उनसे हमने जानने की कोशिश की इस बार का इलेक्शन कितना अहम है। तो यकीनन यहाँ के जो यूथ है उनका कहना है कि इलेक्शन बहुत ही अहम है क्योंकि आखिर अगर मैंडेट किसी को देना है वो लोगों को देना है तो वोट का जो पावर है वो बहुत ही अहम और अहमियत है। तो लगातार COVID-19 के महामारी के बीच इंतजामिया की जानिब से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और अगर हम इलेक्शन अथॉरिटी की बात करें, इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से सर्विलेंस जो टीम हो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के अंदर जिस तरह से सुबह से ही इंतखाबात वोटिंग का अमल शुरू हुआ है, सुबह 8 बजे से और लोगों की जो है कतारें पोलिंग मराकज के बाहर समाजी दूरी और साथ ही साथ मास्क का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए सीधा हम लेह भी चलते हैं जहां मोहम्मद इसाक के साथ भी बात करेंगे और साथ ही साथ इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। मोहम्मद हुसैन, जहां पर जिस पोलिंग मरकज पर आप हैं वहां पर किस तरह की पोलिंग हुई है सुबह से और अभी तक अगर हम बात करेंगे 11 बजे 11:30 बजे तक कितने परसेंटेज जो है वोटिंग हुई है, पोल हुए और साथ ही साथ लोगों का क्या कुछ रुझान रहा इस पोलिंग के दौरान? जी सर, अभी हम लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है जो कि पूरे लद्दाख में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। अभी हम कंपरी ए पोलिंग स्टेशन पे खड़े हैं सर, यहाँ पे अभी तक 11 बजे 11:30 बजे हम अभी टाइम हो रहा है सर, अभी तक 218 वोटर्स ने अभी तक वोटिंग किया हुआ है सर, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs जारी किया गया है इस इलेक्शन को लेके उसका पूरी तरह लोग पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं सर जी।
मोहम्मद हुसैन, जरा ये बताइएगा, अगर जिस पोलिंग मरकज के बाहर आप खड़े हैं, लोगों के साथ आपने बात की होगी, ग्राउंड पे आप हैं, तो लोगों का क्या कुछ कहना है इस पोलिंग के हवाले से और इन इंतखाबात के हवाले से? जी सर, अगर हम इस साल की बात करें तो COVID-19 के चलते जो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते थे वो भी इस साल लद्दाख में ही मौजूद है, तो बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स है वो बाहर आ रहे हैं निकल के वोटिंग करने के लिए, और जो बुजुर्ग थे जो 65 वर्ष से ऊपर के लोग थे उनका जो है पोलिंग जो है वो 12 और 13 तारीख को दिया गया था, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है जो कि लद्दाख के अन्य हिस्सों में जो अभी इलेक्शन की ड्यूटी पे है जो है तैनात किया गया है, तो उनका भी जो है 18 और 19 तारीख को उनका भी जो है वोटिंग लिया गया है, उनका जो इलेक्शन की ड्यूटी से जाने से पहले उनका भी जो वोटिंग दिया गया है। और अगर अभी हम देखें तो यहाँ पे लोग देख सकते हैं कि लोग बहुत ही बड़ा तादाद में लोग जुट रहे हैं दिन आगे बढ़ते हुए, और लोगों का जो तादाद भी जो है वो आगे लोगों का जो तादाद भी बढ़ते जा रहा है, लोग काफी संख्या में वोटिंग करने के लिए बाहर निकल के आ रहे हैं सर। चलिए, फिलहाल अभी तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मोहम्मद इसाक से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त SKICC श्रीनगर में जो है तकरीब मुनक्द हुई, इस सिलसिले में LG मनोज सिन्हा बात कर रहे हैं, पहले वो देखते हैं। साल के बहादुर जवान से, शुजा शख्स से, जिसका नाम है मकबूल शेरवानी, और तब जाके मालूम पड़ता है कि लोग कैसे अपनी जानों की परवाह के बगैर। हम बात करेंगे लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हवाले से। इधर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी के लीडर जमयांग नमग्याल ने भी पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह में अपने हक रायदेही का इस्तेमाल करने के बाद लेह के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि वो वोट का इस्तेमाल करे और कोरोना के पेश नजर जारी रहनुमा खतूत पर भी अमल दरामद करे। बनने के बाद ये हमारा लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले के पहला चुनाव है, इसके लिए मैं लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और मैं समझता हूँ जो लोगों को जो मैसेज देना है, सबसे पहले आपने स्वास्थ्य को ख्याल रखते हुए, कोविड पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, फेस मास्क ज़रूर लगाएं और हैंड सैनिटाइजर ज़रूर यूज़ करें, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करेंगे, क्योंकि हमने प्रचार में जाके कल जो जितना दिन हमें प्रचार के लिए मिला हमने लोगों को सब समझाया, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के लिए क्या किया, आने वाले दिनों में सालों में लद्दाख के विकास के लिए, लद्दाख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, लद्दाख के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल को लेके क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए हमने, और वो जो कर सकता है वो जिसके पास केंद्र में सरकार है, जिसके पास मेंबर पार्लियामेंट है, वो ही कर सकते हैं, ऐसा हमने लोगों को समझा दिया है। तो आज लोग जो है बड़े संख्या के साथ, अच्छे नंबर्स के साथ बाहर आके वोट कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें अच्छी तरह से हमें लोग जीत दिलाएंगे। 6 शेड्यूल जो है कांग्रेस का डिमांड नहीं है, आज तक नहीं रहा, आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं आपके जानकारी में डाल दूं 6 शेड्यूल पहले डिमांड उठाने वाला लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 15-20 दिन के बाद हमने श्रीमान अर्जुन मुंडा जी को ले लाके सबसे पहले डिमांड जो है भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से लद्दाख वासियों के जो चुने हुए नुमाइंदा मेंबर पार्लियामेंट के नाते हमने 6 शेड्यूल की डिमांड सबसे पहले पुट आप किया। कांग्रेस पार्टी जो है इसको इलेक्शन के जो है मूड को देखते हुए वो लोग अपना रहे, अदरवाइज कांग्रेस जो है ना 6 शेड्यूल ला सकते हैं ना दे सकते हैं, लोगों को खाली बेवकूफ़ बना रहे। दूसरी बात रहा जो आपकी बार 26 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने हमने लगाया, हमने सोच समझ के एनालाइज करके लोगों के मूड को देखते हुए हमने लगाया, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमारे लोगों के दिल में जो खुशी का जो है वो आज भी झूम रहा है। तो ऐसे में बीते हुए 71 साल जो हमने नहीं पाया वो माननीय मोदी जी ने दिया, तो आज के वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के नाम पे धन्यवाद का वोट ज़रूर करेंगे लोग, और आने वाले दिनों में लद्दाख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेंगे। अब इसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस का जो नारा था अब की बार बीजेपी का अंतिम संस्कार, आप इस शब्द को थोड़ा सुनिए, अंतिम संस्कार, कांग्रेस पार्टी के मानसिकता ही यही है, वो लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जैसे कि अंतिम संस्कार, करप्शन, घोटाला, उसके ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। राहुल गांधी जी को लाना था, हमारे लोग भी थोड़ा चुटकुले सुनते, हंसते खिलते, नहीं ला पाया, अफसोस की बात है।
लाना था राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को लद्दाख में लाना था। एसकेआईसीसी श्रीनगर के अंदर मुनक्कदा तकरीब के दौरान एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मंत्री जिनका अभी वक्तव्य आपने सुना है उनके प्रति और श्री राघवेंद्र सिंह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की ओर से। 22 अक्टूबर के उस काले दिन के सच को जिस तरह से इन्होंने हम सबके सम्मुख रखा है, बसीर खान साहब ने भी अपने विचार रखे हैं। मैं समझता हूं कि ये दो दिन के एग्जीबिशन और इस सिंपोजियम के माध्यम से कश्मीरियत और कश्मीरी अवाम पर पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी फौज द्वारा किए गए जुल्म, हजारों बेगुनाहों और मासूम बच्चों के कत्ल, हमारी हजारों मासूम बेटियों और बहनों पर किए गए बर्बर अत्याचार की भयावह और गमगीन दास्तां निश्चित रूप से बयां करेगी। 73 सालों में पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन दर्द नहीं गुजरा। जो जख्म दिल पर लगे हैं वो आज भी ताजे हैं। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के नौजवानों को शायद न मालूम हो किस तरह से पाकिस्तानी हुक्मरान और वहां की फौज ने ऑपरेशन गुलमर्ग के जरिए हमारे बेगुनाह भाइयों का बेरहमी से कत्ल किया, हमारे घरों को जलाया, हमारी बहनों और बेटियों की असमत लूटी। इसलिए जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार हम अपनी नई और पुरानी पीढ़ी को इस सिंपोजियम और एग्जीबिशन के जरिए यह याद दिलाना चाहते हैं कि सर्वधर्म संभाव, बेपनाह मोहब्बत, सूफिज्म की इस मिट्टी को पाकिस्तानी फौज के आकाओं मोहम्मद अली जिन्ना और उसके लश्कर ने किस तरह से। तो ये थे मनोज सिन्हा आज एसकेआईसीसी श्रीनगर में मुनक्कदा तकरीब 1947 22 अक्टूबर के हवाले से की गई थी इस सिलसिले में खिताब कर रहे हैं। अब आपको वापस लिए चलते हैं कोरोना, जहां लेह के अंदर जो इंतखाबात हो रहे हैं, लेह के अंदर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह इंतखाबात हो रहे हैं, वहां पर लोगों की जो है इस वक्त लंबी लंबी कतारें वहां पर पोलिंग मराकज के बाहर नजर आ रही है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ पहाड़ी तरक्याती कौंसल लेह के इंतखाबात आज सुबह 8 बजे शुरू हुए हैं और इस सिलसिले में अगरचे सुबह सर्दी की वजह से लोगों की कम ही तादाद पोलिंग बूथों के बाहर नजर आई, ताहम वक्त गुजरने के साथ ही पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, जिस दौरान कोरोना वायरस के पेश नजर मास्क और सामाजिक दूरी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। पोलिंग मराकज के बाहर नजर आ रहे लोगों का जिस तरह से मास्क का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सामाजिक दूरी के दौरान सामाजिक दूरी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है, जिस दौरान लोग अपने हक राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहाड़ी तरक्याती कौंसल लेह के आज सुबह 8 बजे इंतखाबात शुरू हुए हैं और लोगों की जो है हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलिंग बूथों के बाहर पोलिंग मराकज के बाहर लंबी लंबी कतारें जो है अगरचे सुबह सर्दी की वजह से नजर नहीं आ रही थी, ताहम इस वक्त जो है पोलिंग लोग अच्छी खासी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद तफसीलात के लिए सीधा लेह चलते हैं मोहम्मद इसाक के पास। इसाक, क्या कुछ ताजा अपडेट है? तकरीबन 12 बजे तक पौने 12 तक किस तरह की वोटिंग हुई है, लोगों ने किस तरह के वोट का इस्तेमाल किया है और मजीद तफसीलात आपसे इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। जी, लगातार आज सुबह से पोलिंग का सिलसिला लेह के अंदर वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है सुबह 8 बजे से, और इस बार के इलेक्शन में ज्यादातर लोग पार्टिसिपेशन नहीं जा रही है। इस बार का इलेक्शन बहुत ही कई मानों में अहम माना जा रहा है।
एक तरफ से कोविड 19 की महामारी के बीच जब इलेक्शन हो रहे हैं तो कोविड 19 के हवाले से इंतजामिया की जानिब से प्रोटोकॉल जो है और उसका भरपूर पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है, जो लोअर लेह कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद है जहाँ पे सबसे ज्यादा वोटर्स हैं। तो इस वक्त हम लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी के कंपनी ए और बी जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो कतार दिखाएं व्यूवर्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी लंबी कतार हमें देखने को मिल रहा है, बाबाबिता सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए, कोविड 19 के प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए लोग बड़े पैमाने पे लोगों की जो है कतार दिखाई दे रहे हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन देखी जा रही है। चाहे महिला की बात करें या अगर हम पुरुषों की बात करें या मेल और फीमेल क्यू अलग अलग बनाया है, और बाजाबिता सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए लोगों की लंबी लाइन सुबह सवेरे से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और लोग बहुत ही शिद्दत से जोश खरोश के साथ इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्शन अलग अलग मायनों में बहुत ही अहम है। एक तरफ से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी जान किए जाने के बाद एलएचडीसी लेह का इलेक्शन हो रहे हैं पहली बार, और दूसरी जानब लेह के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज है लद्दाख को प्रोटेक्ट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली। तो इन सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए लेह के अंदर ये इलेक्शन बहुत ही अहम है। और दूसरी जानब अगर हम देखें लोग जो है इस बार जनरल एक मुद्दा जो है जनरल है लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया जाए। इसाक जरा ये बताएगा अगर हम पोलिंग की बात करेंगे तो किसका पलड़ा, जो अभी तक की बात करेंगे 11:30 तक वोटिंग हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है इस हवाले से, और किस पार्टी का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आ रहा है? जी फिलहाल की अगर हम अभी तक के अपडेट की बात करें, अभी तक जिस तरह से वोटिंग कास्ट हुए हैं इसमें नेक टू नेक कंपटीशन दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले सत्ता में था। कांग्रेस की बात करें कांग्रेस रिवाइवल स्टेज पे है। आम आदमी पार्टी की बात करें आम आदमी पार्टी नया है, और इस बार के इलेक्शन में सबसे ज्यादा जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। 23 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस बार के इलेक्शन में है, टोटल 96 कैंडिडेट में थे। तो आम आदमी पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर कुछ जीते ले पाती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फॉर्म करने में एलएचडीसी में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। फिलहाल की अगर हम बात करें फिलहाल जो है नेक टू नेक जो कंपटीशन दिखाई दे रहे हैं, तो इस बीच इंडिपेंडेंट और आम आदमी पार्टी का जो रोल कहीं ना कहीं भूलनी नहीं चाहिए। और दूसरी जगह जिस तरह से अभी अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख में बात मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी जो बातें रखी, वाकई में उन्होंने जिस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के हवाले से बातें रखी, जो ये जनरल इशू से लद्दाख और उस हवाले से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बाकी जो दो पार्टी है उनकी तरफ से भी लोगों को एश्योरेंस दिया है। लेकिन अभी इस तरह से लोगों के हमने मन से सुनने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, लोगों की जो है मन में यही है कि जो पार्टी लोगों के एस्पिरेशंस को दूर किया जा सकता है, लोगों की ग्रीवेंस को एड्रेस किया जा सकता है, तो लोग उसी तरीके देगा। फिलहाल बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस वक्त जो है अभी तक जो है नेक टू नेक कंपटीशन दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसाक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा निसार के पास चलते हैं, निसार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। निसार आप जहां पर है जिस पोलिंग मरकज के बाहर है वहां पर किस तरह का जो है लोगों की जानिब से वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लोगों का क्या कुछ कहना है? आपने उनके साथ बात की है जिन्होंने अपने हक राय दी का वोट का इस्तेमाल किया, उनका क्या कुछ कहना है? निसार क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मेंबर पार्लियामेंट और भारतीय जनता पार्टी, जहां उन्होंने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो लद्दाख के लोगों की जो मांग है 6th शेड्यूल को लेकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे सकती है, कांग्रेस की जानिब से जो भी लोगों के साथ वहां पर वादे किए गए हैं उनका वफा नहीं हो सकता, और कांग्रेस से जो लोगों के मसाइल हैं वो हल कर नहीं कर सकती हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अवाम के जो है मसाइल उनका हल कर सकती है, तामीर और तरक्की कर सकती है। ये मेंबर पार्लियामेंट जो है जमींग नमगियाल, उन्होंने बात की है। अब जरा निसार के पास भी चलेंगे। निसार जरा ये बताएगा जिस पोलिंग मरकज पर आप हैं वहां पर कितनी परसेंट अगर हम बात करेंगे अभी तक कितने फीसद वोटिंग हुई है और लोगों का क्या कुछ कहना है इस हवाले से? सर मैं अभी लोअर लेके ये पोलिंग बूथ से बोल रहा हूँ सर। यहाँ पे मेरे सामने डीसी ऑफिस है, डीसी ऑफिस के सामने ही मैं बोल रहा हूँ।
यहाँ का जो लोग जो है थोड़ा सुबह जो है थोड़ा सा कम लोग आ रहे थे, अभी तो लोग बढ़ चढ़ के आके पोलिंग कर रहे थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया निसार आपका। ये थे मोहम्मद निसार जो लेह से बात कर रहे थे, जहां आज सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई और लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है पोलिंग मराकज के बाहर नजर आ रही हैं। इस वक्त जो लोग वो अपने हक राजी का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त एसकेएसीसी में मनोज सिन्हा, एलजी मनोज सिन्हा जो है वहां पर मुनक्कद तकरीब के दौरान खिताब कर रहे हैं। श्रीनगर के उन दिनों की पीढ़ी ने राहत की सांस ली थी जब 4 और 5 नवंबर की रात को शहर की तरफ बढ़ रहे ट्राइबल लश्कर और पाकिस्तानी फौज को श्रीनगर पहुंचने से पहले ही त्रिकलबुल के पास हमारे वीर जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था और उनकी साजिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। दिल में कश्मीरियत और जुबान पर एक ही नारा, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। यह हमारी भावना है, यह हमारे वीरों की संस्कृति है। जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक हमारे दिल का, हमारे शरीर का अटूट हिस्सा है। दो शरीर भले दिख रहे हों, रूहानी तौर पर हम एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं, ऐसे खुले हैं जैसे धमनियों में दौड़ने वाला लहू। दोस्तों, 22 अक्टूबर काला दिन तो है ही, यह हमारे लिए इतिहास के वह लम्हे हैं जिनसे अल्फाज ढूंढकर बुजुर्ग और युवा पीढ़ी दोनों को अवगत कराना है। पाकिस्तान ने सिर्फ आवाम और कश्मीरियत का खून नहीं बहाया था, उसने कोशिश की थी हमें बांटने की, जिसे हमने अपनी एकता से, अपनी सद्भावना से, अपने मोहब्बत के पैगाम से नाकाम किया है। अब तक मैं सिंपोजियम में भाग ले रहे सभी विद्वानों का, सभी सम्माननीय गुणीजनों का आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। 2 दिन तक चलने वाला यह कार्यक्रम हम उन पन्नों को भी पलटेंगे जिसके बारे में लोग भूलने लगे हैं। मिर्जा गालिब का एक शेर, रंगों में दौड़ते फिरने कि हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। आप समझ गए होंगे उन पन्नों में कैसा दर्द है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आतंक मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और आप बखूबी जानते हैं इस आतंक को 1947 से पालने वाला कौन है। विश्व के किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट को उठाकर देखिए, आपको जवाब साफ और स्पष्ट मिल जाएगा। कल जब पुलिस स्मृति दिवस में हमारे वीर शहीदों के नाम लिए जा रहे थे तो सभी की आंखें नम थी। हमारे जम्मू कश्मीर के, हमारे देश के वीर जवानों ने के बहुत सी कुर्बानी दी है। हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के भाई बहन, बड़े बुजुर्ग सब ने पड़ोसी मुल्क के विश्वासघात की बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन हमारे हौसले, हमारी मोहब्बत को वो अब तक न तोड़ पाए हैं, न ही कभी तोड़ पाएंगे। इस पर निदा फाजली साहब की चंद लाइनें हैं, यकीन चांद पे सूरज पे एतबार भी रख, मगर निगाह में थोड़ा सा इंतजार भी रख। खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, खुदा के हाथ में मत सौंप सारे कामों को, बदलते वक्त पे कुछ अपना इख्तियार भी रख। हम विकास और विश्वास के जिस सफर पर चल रहे हैं उसमें चुनौतियां आएंगी, लेकिन मैं यकीन से कहना चाहता हूं कि हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे और जम्मू कश्मीर को भारत का जो मणि मुकुट है उसे सबसे विकसित राज्य बना करके ही दम लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मनोज सिन्हा जो मुनक्कद तकरीब एसकेएसीसी के अंदर दो रोजा मुनक्कद तकरीब वहां पर खिताब कर रहे थे। मित्रों, राघवेंद्र सिंह जी का एक विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूं और कुछ यहाँ के 150 विद्वत जनों ने जम्मू कश्मीर के, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी लोग थे, एक ज्ञापन मुझे भेजा था 2-3 दिन पहले। हम और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब उस पर चर्चा कर रहे थे। कल जब राघवेंद्र सिंह जी आए थे
तो उनसे भी मैंने चर्चा की। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर ये रिच रिप्रेजेंट, यहाँ का कल्चर हेरिटेज बहुत ही रिच है। दो स्थानों के बारे में उनका ज्ञापन था, शेरगढ़ी और मुबारक श्रीनगर और मुबारक मंडी जम्मू। जो मैंने अध्ययन किया तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि SRO 126 डेटेड 26 अप्रैल 2005 ये मुबारक मंडी के लिए एक हेरिटेज सोसाइटी बनाई गई थी और ये तय हुआ था इसका संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। वैसे ही शेरगढ़ी को लेकर के 6 जुलाई 2017 को एक SRO जारी किया गया और काफी बातें कही गई लेकिन वो काम बढ़ नहीं सका था। उस ज्ञापन में कहा गया था कुछ लोगों को संदेह है कि उसे शिफ्ट किया जाएगा और वहां गवर्नमेंट ऑफिसेज खोले जाएंगे। मैं इस सभागार में पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई मंशा यूटी प्रशासन की नहीं है। कल राघवेंद्र सिंह जी के साथ चर्चा में जो बात तय हुई है वो मैं आपके बीच बताना चाहता हूं कि शेरगढ़ी का एरिया जहां ओल्ड असेंबली बिल्डिंग भी है और मुबारक मंडी जम्मू, दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की और दोनों ही जगहों को संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रीस्टोर किए जाने का पूरा प्रयास आने वाले समय में किया जाएगा और शीघ्र ही हम कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से रिस्टोर हो जाए ताकि देश दुनिया के लोग आवें तो वहां जा करके यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के हेरिटेज को ठीक से समझ सकें। थैंक यू। ये थे मनोज सिन्हा। SKICC के अंदर दो रोजा मुनक्कदा तकरीब जो आज से शुरू हुई है 22 अक्टूबर 1947 के दौरान, इस सिलसिले में मनोज सिन्हा बात कर रहे थे, खिताब कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने मजीद कहा कि मुबारक मंडी जम्मू और शेरगरी श्रीनगर के अंदर उनकी तामीर और तजदीद के हवाले से जो है अब इंतजामिया बाजाबता तौर पर इकदाम उठाएगी। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।